नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। निन्वे के विषय में भारी वचन। एलकोशी नहुम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा पलटा लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से पलटा लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, और वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल उसके पांव की धूलि है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है, और चट्टाने उसकी शक्ति से फटफट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खुंटी की नाई भस्म ही भस्म किए जाएंगे। तुझमें से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कुकल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यो कहता है कि चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और वह शून्य हो जाएगा। मैंने तुझे दुख दिया तो है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। और यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नाश हुआ है।